नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद काशिफ खान ने पंजू सराय जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के शहर विधायक इकबाल महमूद द्वारा दलित आदिवासियों गरीबों के कारण जनसंख्या बढ़ने का बेहद शर्मनाक बयान दिया। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि उनके इस बयान से दलित आदिवासी कमजोर गरीब वर्ग के सम्मान को ठेस पहुंची है। इसके लिए इकबाल महमूद को सार्वजनिक तौर पर इन समुदायों से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बयान जारी करने के बाद उन्हीं जो अपने पुराने दलित साथी हैं उनके जो समाजवादी में पहले से ही ज्वाइंट है, वो उन लोगों को दोबारा से उन्होंने सदस्यता ग्रहण करा दी है। वो सिर्फ एक दिखावा है ताकि जो है पब्लिक उनके जो दलित समाज के लोग हैं या आदिवासी हैं गरीब हैं उनसे नाराज ना हो जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बयान को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो इस समाज से, दलित समाज से, आदिवासियों से, गरीबों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। देखिए, माफी नहीं मांगेंगे तो एक समाज उनसे दूर हो जाएगा, एक समाज नफरत करने लगेगा और एक समाज विशेष को अगर वो इस तरीके से बात करते हैं कि भाई दलित समाज और आदिवासी और गरीब जो है जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने एक बयान दिया था, जिसमें बढ़ती जनसंख्या को लेकर उन्होंने दलित और आदिवासी को जिम्मेदार ठहराया था, उसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो हमारे सदर विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, उन्होंने जो ये बयान दिया था कि गरीब, दलित समाज और आदिवासी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हमारा मानना यह है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तो सभी समाजों में समान रूप से चलती है। अब अध्यक्ष इकबाल महमूद साहब का सदर विधायक संभल के जो विधायक हैं, उन्होंने एक विशेष समुदाय दलित समाज आदिवासी और गरीबों का जो ये कहकर मजाक उड़ाया कि ये लोग जो है जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, मैं इस बात का उनकी खंडन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो दलित आदिवासी और गरीबों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।